नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सा। बुद्ध एंड इज धम्मा। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के इस कालजयी रचना संसार में आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि इस समय हम लोग ये बुद्ध और उनका धम्म, जो बाबा साहेब का एक कालजयी ग्रंथ है जिसे ग्रंथ रत्न कहा जाए, इसी ग्रंथ का ये हिंदी अनुवाद आप तक पहुंचा रहे हैं। और ये हिंदी अनुवाद किया है भदंत डॉक्टर आनंद कौशल्याय जी ने। आपने देखा कि पिछली कड़ी में राजकुमार सिद्धार्थ ने शाक्य संघ की बात नहीं मानी, जो कि वो युद्ध का समर्थन कर रहे थे और कोलियों के विरुद्ध युद्ध छेड़ देने के लिए उन्होंने सभा का आयोजन किया था। इसमें राजकुमार सिद्धार्थ ने उनका विरोध किया और विरोध स्वरूप शाक्य संघ ने उन्हें दंड दिया। अब ये दंड का विकल्प भी उन्होंने ही सुझाया था और इसमें से वो विकल्प जो सबकी अनुमति से चुना गया वो ये था कि राजकुमार सिद्धार्थ ने अपने स्वयं के लिए देश निकाला स्वीकार लिया, यानी कि वो देश छोड़कर चले जाएंगे और परिव्राजक बन जाएंगे। अब उनके परिव्राजक बनने की बात शाक्य संघ के संथागार से उनके राजमहल पहुंचने से पहले ही वो राजमहल ये बात पहुंच चुकी थी। और जब राजकुमार सिद्धार्थ घर पहुंचे तो राजा शुद्धोधन बहुत नाराज थे और वे समझ नहीं पा रहे थे कि क्या कहा जाए। और इसी वार्तालाप को अब हम यहां से आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए कि राजकुमार सिद्धार्थ कहते हैं कि मैं आशा करता हूं कि इतना तो आप समझते ही होंगे कि मैंने कैसे परिस्थिति को अधिक बिगड़ने से बचा लिया, यानी कि मैंने युद्ध का रास्ता नहीं अपनाया और युद्ध का विरोध किया, और वो जो परिस्थिति उसको मैंने कैसे बिगड़ने से बचा लिया। मैं सत्य और न्याय के पथ से विचलित नहीं हुआ और सत्य और न्याय का आग्रह करने का जो भी दंड था मैंने उसे अपने ही सिर पर ले लिया। राजकुमार कहते हैं अपने पिता से कि देखिए मैंने सत्य और न्याय का आग्रह करते हुए, क्योंकि वो युद्ध ना सत्य और ना न्याय के लिए हो रहा था, बस वो एक ऐसा झगड़ा था जिस झगड़े को आपस में बातचीत करके भी सुलझाया जा सकता था, इसके लिए युद्ध की जरूरत नहीं थी। और इसलिए राजकुमार सिद्धार्थ कहते हैं कि मैंने युद्ध का जो विरोध किया और उसके फलस्वरूप जो दंड दिया गया वो दंड था, मैंने उसे अपने ही सिर पर ले लिया। क्योंकि विकल्प तो ये भी थे कि शाक्य परिवार की, मतलब शाक्य लोग राजा के परिवार की, यानी कि राजकुमार सिद्धार्थ के परिवार की, राजा शुद्धोधन के परिवार की सारी संपत्ति को जब्त कर ले, तो अब ये दंड तो सबको जाता था, इसलिए उन्होंने इसे नहीं स्वीकारा और अपने स्वयं के लिए दंड ले लिया कि वे देश छोड़कर चले जाएंगे और परिव्राजक बन जाएंगे। तो वे कहते हैं कि जो भी दंड था वो मैंने उसे अपने सिर पर ले लिया, लेकिन राजा शुद्धोधन इससे संतुष्ट नहीं था। उन्होंने तुरंत कहा, वो कहने लगे कि तुमने ये नहीं सोचा कि इससे हमारे सिर पर क्या बीतेगी। तुमने अपने सिर पर तो सब ले लिया, लेकिन तुमने ये नहीं सोचा कि इससे हमारे सिर पर क्या बीतेगी। लेकिन इसी कारण तो मैंने प्रव्रज्ञा लेना स्वीकार किया। देखिए राजकुमार सिद्धार्थ क्या कहते हैं अपने पिता से कि इसी कारण तो मैंने प्रव्रज्ञा लेना स्वीकार किया। जरा सोचो तो सही, यदि शाक्यों ने सारे खेत जब्त करने की आज्ञा दे दी होती तो इसका दुष्परिणाम क्या हुआ होता। राजकुमार सिद्धार्थ अपने पिताजी को समझा रहे हैं कि देखो इसलिए तो मैंने ये दंड स्वीकार लिया कि मैं परिव्राजक बन जाऊंगा, देश से बाहर चला जाऊंगा। अगर मान लीजिए कि शाक्य संघ ने वो पूरी खेतों को जब्त करने का आदेश दे दिया होता तो फिर क्या करते। अब देखिए कि राजा शुद्धोधन कहते हैं लेकिन तुम्हारे बिना हम इन खेतों को रखकर क्या करते। सारा परिवार ही शाक्य जनपद का परित्याग कर देश से बाहर क्यों न चल दे। राजा शुद्धोधन कहते हैं कि तुम्हारे बगैर जब तुम ही नहीं हो
तुम हमारे पुत्र, अगर तुम ही नहीं हो तो फिर हम इन खेतों का क्या करेंगे? चलो यहां से बाहर चलते हैं, हम भी देश छोड़ देते हैं और तुम्हारे साथ बाहर चलते हैं, देश से बाहर हो जाएंगे और हम सब साथ रहेंगे। अब देखिए कि इसमें प्रजापति गौतमी माँ है, तो उसका मन भी वो रोती हुई कह रही है कि देखो तुम हम सबको इस प्रकार छोड़कर अकेले कैसे जा सकते हो। महाप्रजापति गौतमी कहती है कि तुम इस तरह अकेले हम सबको छोड़कर कैसे जा सकते हो, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। अब सिद्धार्थ ने सांत्वना दी, कहने लगे मां क्या तुमने हमेशा क्षत्रानी होने का दावा नहीं किया? क्या यह ऐसा ही नहीं है? तुम्हें वीरता का त्याग नहीं करना चाहिए? इस प्रकार दुखी होना तुम्हारे लिए अशोभनीय है। यह बात उन्होंने याद दिलाई उस वक्त की जब राजकुमार सिद्धार्थ छोटे थे और उनके सारे जो मित्र हैं, पूरी मित्र मंडली ये शिकार खेलने जाया करती थी, तो वो राजकुमार सिद्धार्थ से कहती थी कि देखो तुम क्षत्रिय हो और तुम्हें शिकार आना ही चाहिए, तुम्हें युद्ध कला पता होनी चाहिए और इसलिए तुमने जाना चाहिए शिकार पर। और राजकुमार तब भी कहते थे कि किसी राजकुमार को, किसी क्षत्रिय को युद्ध में भाग क्यों लेना चाहिए, क्यों युद्ध करना चाहिए, आदमी ने आदमी को क्यों मारना चाहिए? ये सवाल तब भी उनके हुआ करते थे। आज उन्होंने उसी बात की दुहाई देते हुए ये बात कही कि मां तुम तो क्षत्राणी होने का बड़ा गर्व था तुम्हें कि क्षत्राणी बड़ी वीर होती है, और अभी तुम अपनी वीरता को छोड़कर, वीरता का त्याग कर तुमने ऐसा नहीं करना चाहिए, ये ठीक नहीं है। और इस प्रकार दुखी होना ये तो तुम्हारे लिए अशोभनीय है, तुम्हें शोभा नहीं देता। तुम ये ना करो, यदि मैं युद्ध भूमि में गया होता और वहां जाकर मर गया होता तो तुम क्या करती? राजकुमार सिद्धार्थ का तर्क बड़ा जोरदार है और बड़ा ऊंचा है। वे कहते हैं कि यदि मैं युद्ध में चला गया होता, युद्ध होता और युद्ध में चला गया होता और युद्ध में मैं मर गया होता तो तब तुम क्या करती? अपनी मां से पूछ रहे वे परिव्राजक होने से पहले। अब यह तैयारी हो रही है, क्या तब भी तुम इसी प्रकार दुखी हुई होती? क्या यह तुम्हें शोभा देता है कि तुम इसी प्रकार दुखी होती जाओ? तो प्रजापति गौतमी बोली नहीं, यह तो एक क्षत्रिय के योग्य होता। यहां वो बात जो युद्ध के लिए कही जाती है कि यह तो एक क्षत्रिय के योग्य होता कि तुम युद्ध में जाकर शहीद हो जाते, युद्ध में मर भी जाते तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब तुम लोगों से दूर जंगल में जंगली जानवरों के साथ रहने जा रहे हो। क्या कहती है प्रजापति गौतमी कि तुम कोई युद्ध में नहीं जा रहे हो, तुम तो हम लोगों से दूर जंगल में जंगली जानवरों के बीच रहने के लिए जा रहे हो, हम यहां शांत कैसे रह सकते हैं कि घर का राजकुमार जंगल में रहें, जंगली जानवरों के बीच, और फिर हम शांत कैसे रहें? मैं यही कहती हूं कि तुम हमें भी साथ ले चलो। प्रजापति गौतमी का यह कहना है कि तुम हमें भी साथ ले चलो, हम यहां नहीं रहेंगे। तो सिद्धार्थ ने फिर प्रश्न किया, सिद्धार्थ कहते हैं मैं तुम सबको कैसे साथ लिए चल सकता हूं? नंद केवल एक बच्चा है, महाप्रजापति गौतमी का एक बच्चा था, सिद्धार्थ का छोटा भाई, और वो छोटा था अभी, तो वो कहते हैं कि मैं तुम्हें, तुम सबको साथ कैसे लेकर जा सकता हूं? अभी नंद तो छोटा नन्हा बालक है, मेरे पुत्र राहुल का अभी जन्म ही हुआ है, राहुल उनका बेटा, उसका अभी जन्म ही हुआ है, बिल्कुल बच्चा है वो, क्या तुम इन्हें छोड़कर मेरे साथ आ सकती हो? क्या तुम इन सबको छोड़कर, नंद को छोड़कर, राहुल को छोड़कर तुम मेरे साथ चलोगे, जंगल में भटकोगे? गौतमी को संतोष न हुआ, मां है संतोष कैसे होगा, गौतमी को संतोष न हुआ, उसका कहना था
हम सब शाक्यों का देश छोड़कर कौशल नरेश की अधीनता में रहने के लिए कौशल जनपद में जा सकते हैं। उन्होंने दूसरा विकल्प सुझाया, यह तो हो सकता है कि हम अपने इस कपिल वस्तु को छोड़कर हम कौशल जनपद के दूसरे हिस्से में चले जाएं और कौशल जनपद में जाकर हम वहां रह सकते हैं। सिद्धार्थ ने आपत्ति की, कहने लगा, लेकिन मां शाक्य क्या कहेंगे? क्या वे इसे देशद्रोह नहीं समझेंगे? और फिर मैंने वचन दिया है कि मैं वचन या कर्म से कोई ऐसी बात ना कहूंगा और ना करूंगा कि जिससे कौशल नरेश को मेरी प्रव्रज्ञा का यथार्थ कारण प्राप्त हो जाए। देखिए राजकुमार सिद्धार्थ अपने वचन के प्रति कितने प्रतिबद्ध हैं। वे अपनी मां से कह रहे हैं कि देखो, ये बिल्कुल संभव नहीं है, क्योंकि मैंने शाक्य संघ को इस बात का वचन दिया है कि मैं अपनी वाचा से या फिर अपने कर्म से ना मैं कहूंगा और ना ही ऐसी कृति करूंगा कि जिससे कौशल नरेश को यह पता चले कि राजकुमार सिद्धार्थ की प्रव्रज्ञा का कारण क्या था। अगर यह कारण उनको पता चल जाएगा तो दिक्कत हो जाए। फिर वे कहते हैं, देखिए, ना मैं ऐसी कोई बात कहूंगा ना करूंगा कि जिससे कौशल नरेश को मेरी प्रव्रज्ञा का यथार्थ कारण ज्ञात हो। यह सही है कि मुझे अकेले जंगल में रहना होगा। राजकुमार सिद्धार्थ कहते हैं, हां यह बात बिल्कुल सही है कि मुझे अकेले जंगल में रहना होगा और दूसरी बात यह है कि कोलियों के विरुद्ध लड़ाई में हिस्सा लेने और जंगल में रहने, इन दोनों में से अधिक श्रेयस्कर क्या है? कोलियों के विरुद्ध युद्ध में हिस्सा लेना या फिर जंगल में रहना, यह बात तो सच है कि मैं जा रहा हूं तो जंगल में ही रहूंगा, लेकिन जंगल में रहना या फिर युद्ध करना कोलियों के विरुद्ध, इन दोनों में अच्छा क्या है, बेहतर क्या है, श्रेयस्कर क्या है? तो इस बीच शुद्धोधन ने प्रश्न किया, लेकिन इतनी जल्दी किस लिए? शाक्य संघ ने अभी कुछ समय के लिए लड़ाई को स्थगित कर दिया है। राजा शुद्धोधन कहते हैं कि राजकुमार, ये जल्दी किस लिए है परिव्राजक बनने की? अभी तो शाक्य संघ ने कोलियों के विरुद्ध जो लड़ाई है उसे फिलहाल स्थगित कर दिया है, उसे रोक दिया है। फिर वो कहते हैं कि हो सकता है कि आगे कभी युद्ध छिड़े ही नहीं, ये भी हो सकता है, और तुम अपनी प्रव्रज्ञा भी क्यों स्थगित नहीं करते? जब युद्ध ही स्थगित हो चुका है तो फिर तुम अपनी प्रव्रज्ञा स्थगित क्यों नहीं करते? पिता का मन है, राजा शुद्धोधन राजा ही है तो क्या हुआ, लेकिन पिता का मन है, से लगता है कि बेटा इस उम्र में अगर सन्यासी हो जाए, प्रव्रज्ञा ग्रहण कर ले, अच्छी बात नहीं। तो वे कहते हैं कि हो सकता है कि युद्ध कभी छिड़े ही नहीं, तो फिर तुम अपनी प्रव्रज्ञा भी स्थगित क्यों नहीं कर देते? हो सकता है कि शाक्य संघ तुम्हें यहां बने रहने की अनुमति दे दे, हो सकता है आगे चलकर वक्त जैसे बीतता चलेगा तो शाक्य संघ भी इस बात के लिए राजी हो जाएगा कि हाँ राजकुमार, तुम राज्य में रह सकते हो, तुम्हें देश छोड़कर बाहर जाने की जरूरत नहीं, तुम्हें प्रव्रज्ञा ग्रहण करने की जरूरत नहीं, यह हो सकता है। लेकिन राजा शुद्धोधन की इस बात से राजकुमार सिद्धार्थ संतुष्ट नहीं थे। इस बात को यहां रोकना होगा। इस समय हम लोग बुद्ध और उनका धम्म, ये जो बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर की जो कालजयी रचना है बुद्ध एंड इस धम्मा, उसका ये हिंदी अनुवाद आप तक पहुंचा रहे हैं। ये हिंदी अनुवाद डॉक्टर भदंत आनंद कौशल्यायन जी ने किया है। तो यहां रुकते हैं इस वादे के साथ कि कल अगली कड़ी में आपसे पुनः भेंट होगी और तब हम इसी बात को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिएगा।
बुद्ध और उनका धम्म।